हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लेक्चर 9th क्लास का है और पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास के जो पिछला लेक्चर हमने डिलीवर किया था उस लेक्चर के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसी को हम आगे लीड कर रहे हैं और उसको आगे लीड कैसे करेंगे देखिए ध्यान से कि डिस्प्लेसमेंट और उसके डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन, पहले इसमें डिफरेंस क्या क्या लिखोगे देखिए। सबसे पहले आपने डिस्टेंस की क्या लिखनी है, आपने राइट करनी है डिस्टेंस की डेफिनेशन। पहला डिफरेंस हो जाएगा। इस तरफ आपने डिस्प्लेसमेंट राइट करना है और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन राइट करनी है, तो पहला डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस होगा बेटा, जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो यहां पे इसका दूसरा जो डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव एंड मे बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर बढ़ेगी, जो बढ़ने वाली चीज होती है उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। जैसे हम हमारे घर से जग गए हैं, स्कूल की तरफ गए, स्कूल से फिर वापिस घर की तरफ आए, तो ये जो जितना आपने होल पाथ कवर किया है, जो होल पाथ ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस बोल रहे थे। सिमिलरली जो अगर वो होल पाथ ट्रेवल किया है तो वो तो बढ़ ही रहा है, घट तो रहा ही नहीं, डिक्रीज तो हो ही नहीं रहा। अगर वो डिक्रीज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमेशा इंक्रीजिंग बढ़ेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हो डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं ये है, ये ऐसे इस तरफ गया एक बार, ये राइट साइड है, ये कौन सी है, राइट साइड। आपने काइनेमेटिक्स के अंदर साइन कन्वेंशन अज्यूम करने है बेटा, आप कोई भी साइन कन्वेंशन अज्यूम कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपको टीचर बताए वही साइन कन्वेंशन यूज किया जाए, नहीं, अपनी मर्जी से। अगर लेफ्ट साइड को आपने पॉजिटिव मानना है तो लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लो, अगर आपने राइट साइड को पॉजिटिव मानना है तो आप राइट साइड को पॉजिटिव मान लो। मैं क्या करता हूं, मैं बेटा यहां पे राइट साइड को पॉजिटिव मानता हूं, किसको मानता हूं, राइट साइड को पॉजिटिव। तो ये इस तरफ गया, मान लेते हैं ये 2 मीटर राइट साइड गया, किस तरफ गया, 2 मीटर राइट, तो 2 मीटर राइट को मैंने क्या माना है, पॉजिटिव। तो 2 मीटर क्या स्ट्रेट लाइन है, देखो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पहले। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट विद इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देखिए एक पॉइंट है ओ और एक पॉइंट है ए, ओ ए के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ है जो विद इन स्ट्रेट लाइन है। अगर यहां से यहां तक ये गया है, ये 2 मीटर है तो राइट साइड में गया है, अगर ये राइट साइड में जा रहा है तो इसको मैं क्या मानूंगा, प्लस, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव। अगर यही यहां से वापिस होके इधर आ जाता है तो ये इधर देखिए, इधर ये कौन सी साइड होगी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में किसका हो जाएगा, नेगेटिव का, किसका हो जाएगा बेटा, ये नेगेटिव का। उसके बाद जीरो, अब देखिए 2 मीटर इस तरफ गया था, ये 2 मीटर प्लस का आ गया और 2 मीटर इस तरफ आया, तो नेट देखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो क्या आएगा बेटा, +2 + -2, तो 2 2 जोड़ोगे तो एक माइनस का एक प्लस का, तो रिजल्ट कितना आया, जीरो। तो यहां पे देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। ये चीज आपके न्यूमेरिकल में हेल्प होगी, हेल्प करेगी न्यूमेरिकल में आपकी सोल्व करने के लिए। ठीक है, आपको आना चाहिए कैसे ये आया, ओके वेरी गुड। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे डिस्कस क्या करते हैं, नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं, और वो डिफरेंस देखिए कैसे है। थर्ड पॉइंट जो होगा, डिस्टेंस
इज स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में। आइए हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से इसके सोल्व होते हैं, किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इसके नोट डाउन कर लेना है सभी ने। तो हम आज न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। एक दो न्यूमेरिकल आपको करवा देता हूं मैं, जैसे आपको समझ में आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होती है। सपोज कीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल विच मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस ऑफ ए पार्टिकल विच मूव अराउंड द अलोंग द सर्कुलर पाथ एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। सोल्यूशन देखिए इसका, बेटा सोल्यूशन देखिए, ये कहता है कि एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन, क्या कर रहा है वो, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। इसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, एंगुलर पैरामीटर होते हैं। एंगुलर पैरामीटर के जो डिस्कशन है, जो स्टडी है बच्चों, हम 11th क्लास में डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर। हमें यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर की स्टडी नहीं करनी, हमें बेसिक जो है लीनियर पैरामीटर जो है उनकी स्टडी करनी है, ठीक है। इसलिए हम लीनियर पैरामीटर की स्टडी कर रहे हैं, ज्यादा इन्वॉल्व इसके अंदर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये चीज ऐसे चल रही है और आपसे पूछा गया फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की डेफिनेशन को याद कीजिए, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, होल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, होल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब यहां से अगर यहां से यहां तक ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, और वो पूछा गया है यहां पे फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस बाय ए पार्टिकल विच मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ एंड कम बैक, कहां से कहां आपसे पूछ सकता है वो, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया भाई, ये सर्कुलर मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ व्हेन इट रीच एट, यहां पे थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूं, व्हेन इट कम बैक इट्स इनिशियल पॉइंट एंड डिस्प्लेसमेंट एंड फाइंड एंड ऑल्सो फाइंड एंड ऑल्सो फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट था बेटा, यहां से कोई बच्चा है, ठीक है, और वो बच्चा दौड़ना शुरू करता है, क्या करना शुरू करता है, दौड़ना शुरू करता है, और ऐसे दौड़ के वापिस यहीं पे आ जाता है। और क्वेश्चन पूछा गया है जब वो अपना एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, फाइंड आउट द डिस्टेंस। अब इस सर्कल के डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा मैं मैथमेटिक्स का हेल्प लेता हूं, हमने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं बच्चों, इसके ऊपर इसकी डिस्टेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस जो है वो क्या देती है हमें, इसके ऊपर का रास्ता, पूरा जितना ट्रेवलिंग रास्ता है, तो यहाँ पे इसके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस अगर इसका रेडियस बेटा ये आर है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2πr होगी, और जो क्या देगी आपको, डी। ये सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, आपको मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, एक धागा लीजिए, उस धागे को इसके ऊपर ऐसे वाउंड कर दीजिए, और जो इसका आएगा
जो इसका पूरा एरिया आएगा, जो उसकी लेंथ आएगी, वो उसकी क्या देगा बेटा, सरकमफ्रेंस देगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने से इसका क्या आ जाएगा, 2πr। तो 2πr क्या होगी बेटा, इसकी डिस्टेंस। अब आती है बात किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब बात किसकी आती है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। अब डिस्प्लेसमेंट किसको बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखिए किसको बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, लेकिन इसमें तो कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप क्या बोलोगे, ये कितनी आई, जीरो, कितनी आई, जीरो। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है उसके पास केवल क्या होती है, डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। एंगुलर पैरामीटर की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूं, एंगुलर पैरामीटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है, उसका नाइन्थ क्लास में हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं, तो देखिए और क्वेश्चन का भी मैं जिक्र करता हूं यहाँ पे, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मैंने कहा भी कोई पार्टिकल है, ठीक है, और वो पार्टिकल्स ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, और फिर ऐसे गया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि वो पार्टिकल ऐसे था, ठीक है बेटा। तो ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। आपसे पूछा गया ये 2 मीटर डिस्टेंस है, ये 4 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, और ये 1 मीटर डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 15 मीटर है। कितना है बच्चों, ये आपका 15 मीटर है, जो यहां से ए से बी तक का। आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायग्राम। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए मैंने क्या बताया था बेटा, बिटवीन, या फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी। अब देखिए इसमें पहला सॉल्यूशन करते हैं हम, सॉल्यूशन में क्या आएगा, सबसे पहले पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगी, ऐसे गया है ये, ऐसे 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 गया ना, और ऐसे भी है, तो आप ये डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कवर हो जाएगी। आप सम कर सकते हो इस डिस्टेंस, 2, 4, 3, इन सब का सम करके डिस्टेंस निकाल सकते हो। आपसे पूछी गई डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को याद कीजिए, जो डेफिनेशन है बेटा वो क्या कहती है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए एंड बी विद इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज 15, तो 15 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट, 15 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कोई ऐसा पूछ ले बेटा डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट आपसे ऐसा पूछ ले कि मान लो कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे 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 मूव कर रहा है, तो बताइए क्या उसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। आंसर उसके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन किस किस के बीच में, सिर्फ इन 2 पॉइंट के बीच में, सिर्फ इस 2 पॉइंट के बीच में, लेकिन टोटल पाथ की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस, दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक। डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर होती है, दोनों की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, ये आपने याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, और इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के देखा करो, जरूर पूछा करो कमेंट बॉक्स में। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी होती है, कुछ बच्चे लेक्चर को देख ही नहीं रहे हैं, 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास के अंदर वो देख नहीं रहे हैं, बाद में वो आएंगे, सर हमारा ये टॉपिक रह गया, तो बाद के अंदर हो सकता है लॉकडाउन में पता कितना लंबा टाइम चला जाए और आपको टाइम पीरियड बहुत छोटा मिले आपको पढ़ने के लिए, तो आपकी बहुत सारी क्लासेस मिस हो जाएंगी, वहां पे क्लासरूम में जल्दी जल्दी करवा जाएगा, तो इसलिए बेटा उसको आप कंप्लीटली यहाँ पे रेगुलरली करते जाइए, वही चीजें आपको करवाई जा रही है, अच्छा करवाया जा रहा है, वैसा ही करवाया जा रहा है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ाने में टीचर्स को भी कंफर्टेबल फील नहीं होता, लेकिन मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, और अपने साथ में नोट्स बनाते जाइए, जैसे जैसे नोट्स बनाओगे वैसे वैसे आपका जो
सब्जेक्ट के अंदर क्लैरिफिकेशन आता है वो अच्छा आएगा, आपके जो नॉलेज है वो इम्प्रूवमेंट आएगी। और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन जरूर पूछा करो, और नोट्स व्हाट्सएप के अंदर आपके जितना भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो व्हाट्सएप के अंदर मेरे पास भेजा करो कि सर हमने ये काम किया है आपके लेक्चर से, इतने हमने नोट्स बनाए हैं, ये लीजिए हमने चेक किया, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस किया करो, ये सारी चीजें किया करो। थैंक यू।